ये बनवाई है मैंने मीडिया वाले पिंक वाले रूम की। सो जी अभी हम आए हुए हैं अमानत आई हॉस्पिटल, क्या मतलब यहाँ से आई इसका इलाज हो जाए अलग। ये ऊपर वाले रूम की मीडिया वाले टीवी हॉल। ओके, जैसे नीचे वाले मीडिया वाले मैंने हल्के से दिखाई थी आप। अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार, वकास साहब मोबाइल लेकर आए थे, वो चल नहीं रहा। अब कह रहे बारिश हो रही, अकेले नहीं जा रहा, मेरे साथ चलो। बारिश हो रही है, बारिश हो रही, मेरे ख्याल से बारिश रुक जाएगी, सफर अच्छा गुजरेगा, बोर नहीं होगा। क्या वैसे भी गाड़ी पे नहीं, हम चल दो बंदे चले जाते क्या कहते हैं नहीं क्या, वो तेज बारिश हो रही है, आपको बैक कैमरा से दिखाती हूं। व्हाट अ लवली वेदर, वाओ सच अ लवली वेदर, ब्यूटीफुल वेदर। संडे इज राइट नाउ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? आज मेरे को ये बहुत कोई 4 या 5 सालों बाद जो राजा बाजार और किले वाली साइड पर आई हूँ। मेरे ना दो मशीन वॉशिंग मशीन, कितना ज़्यादा बुखार बसता है। शीशे बंद करते हैं, अब तो कोई शोर कम हो जाए है। ओके सर, एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ, देखें। और मेरी ना आटे वाली मशीन जो है ना, वो इम्पोर्टेड थी, वो मैंने डायरेक्ट स्विच के साथ चलाई तो वो डिज करके उड़ गई। मतलब कि उसका बेल्ट तर गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो वो किले के अलावा कहीं से सही नहीं होते, तो हम बेरिया से स्पेशल किले आए हैं। दूसरी चीज़ है, मेरे पास एक NX का जूसर था, जो आप लोगों को याद होगा G13 में लिया था, तो उसका भी ना वो गोल गोल घूमने वाला नहीं था, जब वो टूट गया था, पता नहीं कैसे टूट गया, वही मुझे नहीं पता, किसी ने यूज़ किया था या क्या हो गया था, वकास से हो गया था, तो वो लगवाना था, तो वो लगवाने के लिए आए हम। फिर एक और चीज़ थी कि तस्वीर से मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि जब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं उसको PS5 लेकर दूंगी। सो हमने वो भी बाय करना था, PS5, तो वो भी लेंगे आज। और एक और चीज़ की थी, वकास ने मोबाइल खरीदा था वो मोबाइल ख़राब निकला था कि वो बार बार ऑफ हो रहा है, और वो एक सिम उसकी पीटी अप्रूव थी, एक नई थी, तो वो वकास उस दुकानदार का सर फाड़ने आया, आज का मोबाइल ख़राब क्यों दिया, सही कर दूसरा मोबाइल दो मुझे। मतलब ये इतने सारे काम थे, और वकास कहते आज बारिश हो रही तो मैं बाइक पर नहीं जा रहा, मेरे साथ चलो। बाइक आपको पता है, मैंने वकास बोला था आप बाइक पे चले जाओ, वो कहते नहीं तुम मेरे साथ चलो, बारिश हो रही तो पुलिस वाले खड़े होते हैं जगह जगह रोकते हैं, मैं बगैर वजह अकेला देख के फैमिली के साथ होते हैं तो फिर रोकते नहीं है, फिर इस वजह से जी मैं वकास के साथ आई हूँ, मैं अब एवं बैठी हुई यहाँ बैठ के। मैंने कहा चलो फिर ब्लॉग ही बना लेते हैं। अब वकास कह रहे हैं वो ठीक हो गई है, मशीन उसका बेल्ट उतरा हुआ था वो उन्होंने लगा दिया है। अब वकास खुद आएंगे ना, बाकी स्टोरी वो खुद सुनाएंगे, मैं आपको दिखाऊँ कितना रश होता है बाजार में, और इतनी तेज बारिश बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना लेती हूँ, बैठी हुई इतना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मुझे इतनी जोर से वॉशरूम भी आया यार, वकास कसम से फंसा देते हैं मुझे अपने साथ ला के। अच्छा भाई, सो किले वाले जो अंकल है ना, उन्होंने ये दिया है मुझे वकास को कि ये इसके साथ चलानी है, डायरेक्ट नहीं चलानी है मशीन, ये जो मशीन होती है ये इम्पोर्टेड होती है, और ये जो है मशीन तो सही हो गई ये वाली। अच्छा, ये जो मशीन होती है ना ये इम्पोर्टेड होती है, और ये अगर हम डायरेक्ट चलाएंगे ना तो ये सड़ जाती है मशीन। अभी तो शुक्र करें मशीन सड़ी नहीं थी, सिर्फ बेल्ट उतरा था इसका, तो आपने इसको इसके साथ चलाना, जैसे फ्रिज चलाते हैं ना स्टेबलाइजर के साथ, पता नहीं कितने वोल्टेज का होता है, ऐसे ये वाली मशीन भी ऐसी ही होती है कि इनको आप डायरेक्ट नहीं चला सकते, ठीक है। सो अब ये दिया है, बाकी वो जो दूसरी मशीन थी INX वाली वो भी ठीक हो गई है, तो वकास को मैंने कहा उसका जग भी ले आओ फिर साथ में, उसका जग और उसके जो वो थी ना डब्बी मसाले वाली, पता नहीं वो शिफ्टिंग में कहाँ चली गई, सो वो मुझे मिली नहीं। फिर मैंने कहा अगर वो भी मिल रही है तो वो भी ले आओ, शुक्र है कि जेन्युइन ही मिल गया हमें उसका ना, हालांकि वो मैंने पहले भी सही करवाई थी, पैसे भी लगाए, पर वो चली ही नहीं मशीन, कितने टाइम से वो ऐसे पड़ी हुई थी यूजलेस। और ना INX सबसे लेटेस्ट मॉडल था, उसके बाद से अभी तक INX कोई मॉडल नहीं आया, और बड़ी अच्छी हैवी मशीन थी वो। सो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी शिफ्टिंग में ख़राब हुई है, पहले एक घर में शिफ्ट हुए, फिर दूसरे में शिफ्ट हुए, फिर तीसरे में शिफ्ट हुए, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हुई, और ना मैं बड़े संभाल संभाल चीज़ें रखती, पता डब्बे भी नहीं फेंकती मैं तो। अब अल्लाह करे जल्दी से वकास साहब आ जाए, पता नहीं किधर चले गए, जग गिलास लेने गए, मैं तो थक गई हूँ यार, बैठ बैठ के टाइम ही देखो क्या हो गया है, 5 बज गए मेरे ख्याल से, ऊपर टाइम हो गया 5 से, लिटरली मुझे पीठ मुड़ के बैठना पड़ रहा है, कि पीछे दुकान मुझे अंकल है ना, उफ उन्होंने इतना इरिटेट किया हुआ है ना, ना बच्चियों को छोड़ते हैं ना शादीशुदाओं को छोड़ते हैं, अंकल हैं। और पहले एक बच्ची आई थी कुछ लेने के, तो उन्होंने उनको उसको पास बिठा लिया अपने, कितनी देर उसको पास बिठा कर रखा, उसका मोबाइल पकड़ रहे थे, उसका हाथ पकड़ रहे थे, पता नहीं एक तो पेरेंट्स ना बच्चियों को बेड टच क्यों नहीं सिखाते कि आपका क्या काम है किसी भी अंकल के पास, मैं तो यार सगे चाचे और मामे के पास बेड नहीं देती बच्चियों को, इतनी स्ट्रिक्टनेस है, किसी गोद में नहीं बैठना, बाप की भी गोद में नहीं बैठना, पता नहीं लोग क्यों नहीं सिखाते, कि इतनी अवेयरनेस दी जाती है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, टीवीज़ पे दिखा रहे होते हैं क्या क्या हो रहा होता है,
अब उसके बाद इस बंदे ने मुझे इतना इरिटेट किया हुआ, इतना इरिटेट कि मैं दुआ करी बस, हालांकि मैंने कहीं ये सोच लगाया कि मुझे इसकी शक्ल नजर ना आए, अब दुआ करें जल्दी से वकास आए और हम घर जाएं, बस बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसलिए नहीं आती हूँ वकास के साथ। खाली सब फाइनली देख लें, ये जूसर मशीन हो गई है ठीक, नहीं जूसर मशीन नहीं, क्या कह रही हूँ यार, ये आटा गूंदने वाली मशीन, इसका बेल्ट उतरा हुआ था खाली, और साथ में इसका जो बताया था ना अडॉप्टर दिया उन्होंने, तो ये वाला अडॉप्टर दिया कि इसके साथ चलाना है, सो डायरेक्ट नहीं चलाना ठीक है। ये ना मैंने एक प्री लव्ड पेज होता है ना, ये उससे ली थी मैंने, जिनके पास इम्पोर्टेड सामान होता है वो जो बाहर से आया होता है। बाकी ये एनएक्स वाली मशीन भी ठीक करवा दी है, इसका सारी सिर्फ फूल ख़राब था, ये फूल नहीं घिस जाता तो वो फूल घिसा हुआ था, घिसा पे नहीं हुआ था जब हम इस घर में शिफ्ट हुआ था, तो याद है इस घर में चूहे थे, क्योंकि मिस्त्री क्या करते हैं रोटी खा खा के फेंक देते हैं, तो ये इसकी रबड़ थी वो चूहों ने खा ली थी, क्योंकि सामान तो कितने टाइम पड़ा रहा था बेड के नीचे, तो इसकी रबड़ भी चूहों ने खा ली थी, इसका जो ये फूल था ये भी सारा चूहों ने घिस दिया था, इसके ये लॉक्स खा गए थे चूहे, तो मेरे ओवन के पैर खा गए थे यार चूहे, कितनी चीज़ें, मेरी जो ट्रे थी ना जो नई मंगवाई थी चमचों वाली, वो ट्रे छील दी थी सारी उन्होंने, तो उन्होंने ख़राब किया था, शुक्र अभी अभी लग गया फूल इसका, फटाफट मिल गया था हमें उनकी शॉप से, और कितने रुपए लगे हमारे टोटल विद अडॉप्टर जो है वो 1700 रुपये लगे हैं, सारे काम ठीक हो गया हमारा। वालेकुम, बहुत डेंजरस मौसम है आज, बहुत ज़्यादा इतनी तेज़ हवा है ना कि प्रॉपर ऐसी आवाज़ आ रही है, बट बच्चों को स्कूल तो भेजना है ना भाई। हेलो अपना डालो अब जल्दी, तो इतनी तेज हवा चल रही है, बच्चे बेचारे दिन ठंड में स्कूल जा रहे हैं, वो बलाज और अब हाज और मिश तसील चले गए पहले, चलो भाई हम घर जा रहे हैं। ओके भाई तो बच्चों को स्कूल छोड़ दिया है, जा रहे हैं घर, घर जाके बना के पीऊंगी जूस, मैंने पीना मत पीना, मैंने तो कल भी नहीं पिया था, आज तो मैं पीऊंगी। अभी मैं बना रही हूँ जूस, वही गाजर माल्टे का, बच्चों को स्कूल छोड़ गए हैं, अभी जूस बनाते हैं, पीते हैं जूस ठीक है। मैंने तो अपना जूस पी लिया है, अब बस वो क्लास का रखा हुआ है, तस्वीर भाई और मिशा की वो पिएगी, गाजर बाहर नहीं पीते, वो कहते हैं माल्टे का जूस जो है ना वो ऑरेंज होता है, ये रेड है, ये माल्टे का जूस नहीं है, और फ्रिज में रखना ही ठंडा हो जाएगा। और इतनी सफ़र वो आई हुई है ना, आधी तूफान डर लग रहा है, पौधे ही लग रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ साथ बारिश भी हो रही है, और मेरा डाइनिंग टेबल की चेयर भी साफ़ करनी ही करा, हाथ से पता नहीं बना से बोतल गिर गई है उसके ऊपर, सांस फूल गया मेरा, आज ना मैंने ये साफ किए सारे डाइनिंग टेबल की चेयर्स कॉफ़ी वगैरह और स्टोरेजेस, फिर मुझे याद है व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ बोलती हैं घर तो ले लिया सफाई नहीं करते, पता नहीं ये लोग करके जाते हैं मेरे घर की सफाई आके, सो थैंक गॉड ये वाली मशीन है, इतना मैल निकला है कि मैंने 3 दफ़ा ये खाली किया है बॉक्स, क्योंकि खिड़कियाँ खुली होती हैं हवा आती है ना तेज़ अंदर, सो डस्ट आती है, सो अच्छे से मैंने सारा मैट्रेस जो है उसका पफ़ी जो है और इसके अलावा कुर्सियाँ और ये जो हमारा स्टोरेज था ये भी सारा क्लीन कर दिया, डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो गई है, इसके अंदर ना इसका डिटर्जेंट मिलता है मैंने वो डाला था, अगर वो ख़त्म भी हो जाए अपनी मर्ज़ी से भी कुछ भी डाल सकते हो जो आपका डिटर्जेंट होता है फेब्रिक का। अच्छा यहाँ पर अभी बलाज साहब सोए हुए हैं स्कूल से आके, दिखा देती हूँ मैं खैर आपको, ये देखिए अच्छा बारिश हो रही है बहुत तेज़, मैंने कहा आज अपनी मीडिया वॉल दिखा देती हूँ आपको, तो ये मीडिया वॉल है, अभी ना कमरे का पोछा लगना है, पहले मैंने का वीडियो बना लेते हैं, सो ये बनवाई है मैंने मीडिया वॉल पिंक वाले रूम की, अभी इसके अंदर ना 2 गोल्ड की पट्टी लगनी है बस साइडों पर, बाकी ये रेडी है। अच्छा मैंने पूरी दीवार कवर करवा ली थी और यहाँ पर ये फ्रेम भी कवर करवा लिया था, ऐसे मैं दिखा देती हूँ ये इस तरीके का अच्छा लग रहा है ना, तो ये हो गई इसकी दीवार कम्प्लीट। अच्छा इसके पीछे ना रोब लाइट्स यहाँ पर ये फिर वहीं है, जो पीछे पूरी शीट लगी है फिर आगे दूसरी शीट लगी है, अच्छा ये पीवीसी की शीट्स है जो ख़राब नहीं होती, और फिर हमारी एलईडी, अब ऐसे सामने से बैठ के हम टीवी देख लेते हैं, गर्दन में दर्द नहीं होता जो गर्दन मोड़ मोड़ कर टीवी देखना पड़ता था, और ये एक मीडिया वॉल बनी है, अब मैं बेसमेंट की मीडिया वॉल दिखा के आती हूँ, ये मैंने कहा कि स्टोर वालों से बनवाई है, और मैं उन लोगों का पेज वगैरह नंबर कुछ मैंशन कर दूँगी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बनवानी हो वो वैसे ना किसी भी सिटी से आप लोग आई थिंक वो बना देते हैं जाके, काम उनका बहुत सफाई का है, क्योंकि मैंने बेड उनसे बनवाया था, बहुत नीट बेड बना था मेरा, बहुत नीट, और स्टोरेज वाला हर डिज़ाइन लेटेस्ट जो भी आपको चाहिए, मैं तो नेट से निकाल कर डिज़ाइन देती हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए
और चीज उखड़वा के भी लगवानी हो ना, मैं लगवाती हूँ कि ये सही नहीं बनी तो मुझे ये चीज चाहिए, ऐसे अच्छी लगेगी, ऐसे अच्छी नहीं लगेगी। कभी कोई डिजाइन में बताती हूँ अच्छा नहीं लगता, बताती नहीं भाई ये समझ भी नहीं आ रहा इसको इस तरीके से कर दो, तो वैसे ही करके मुझे कहते हैं जब तक आपकी मर्जी का काम नहीं ना होगा तब तक काम हमारी तरफ से कम्प्लीट नहीं होगा। तो ये इस तरीके का लग रहा है कुछ। अभी नीचे वाली दिखाती हूँ। ओके, जैसे नीचे वाले मीडियम वाले मैंने उस दिन हल्के से दिखाई थी आपको, अब ये देख रहे हैं रेडी हो गई है। नीचे वाले मीडियम वाले के लिए मेरे पास इतना ही स्पेस था, अभी बेड के ऊपर मेरे पीआर फैले हुए तो उनको मत देखना भैया। इतना खूबसूरत था ये वाला पीस, मैंने दराज से ऑर्डर किया था ये कि कोई वीडियो वगैरह बनानी होती, देखना कितना खूबसूरत है यार। इसके पास रख के बंदा बना लेता है, वो मेरा स्टूडियो बॉक्स है, उसको जो अनबॉक्सिंग करनी होती है उसकी वीडियोज़ बनती हैं। एक रिंग लाइट वगैरह मंगवाई थी पर खैर मैं भी आपको दिखा रही हूँ ये। अच्छा, मैंने डॉलेंस की सेल्सी वाली एलईडी ली थी, अभी इंस्टॉल हो गई है देख लें। कल मैंने एक पार्सल खोला उसमें इतने वाइट वाइट निकले हैं, अभी पूरे घर में उड़ते फिर रहे हैं वाइट वाइट। ये क्यों डालते हो ये पार्सल्स के अंदर? अच्छा खैर, ये वाले जो मीडिया वाले ये है सिंपल, बट ये इसके ऊपर हमने शीट नहीं लगवाई क्योंकि स्पेस नहीं थी इतनी ना, क्योंकि आपको पता है सीढ़ियों के साथ ये जगह जहाँ मैंने बनवाई है। सो ये इस तरीके की है। इसका ना आगे वो भी है क्या बोलते हैं यार, कंसोल, वो भी रेडी नहीं हुआ, वो रेडी होकर इसके आगे आएगा। बनवाया मैंने वो छोटा ऐसा 4 फिट का बनवाया, ये जगह जो है वो 6 फिट है तो मैंने 4 का बनवाया। ये 6 फिट में बनी हुई है और 6 बहुत खूबसूरत बनी। अच्छा, इस तरह की गोल्डन पट्टियाँ ऊपर लगेंगी, यहाँ पे तो डबल लगी है, वहाँ पे सिंगल मैंने सोचा लगवा लूँ तो ज़्यादा क्लासी लगेगी। ये पीछे शीट है पीवीसी की, ये पैनलिंग हुई हुई है गोल्डन टच में दोनों साइड पे, और ये पट्टियाँ लगेंगी दोनों साइड पे, ऐसे नीचे लगी है और ऊपर से इस तरीके की, तो ये ऐसे रेडी हुई है, खूबसूरत लग रही है ना। अच्छा, यहाँ पे ऊपर लगेगा इसका झूमर गोल्ड मटोल वाला और ये सर की सेट हो जाएगी पूरी। ये वाला बेड जो है ना मैंने स्टोरेज वाला नहीं बनवाया ना, मुझे अब इसमें बहुत मसला हो रहा है क्योंकि इतने यार पीआर पैकेजेस आते हैं, फिर जब तक मुझे गिव अवे ना करना हो तब तक वो इकट्ठे होते रहते हैं पीआर पैकेजेस, फिर इतना ढेर लग जाता है पीआर पैकेजेस का, क्या करूँ मैं। अब मैंने आज उनको कॉल की कि इसके अंदर दराज लग सकती हैं, वो कह रहे हैं दोनों साइड के ही ले जाने पड़ेंगे हमें इसके। मैंने कहा ऐसा करें कि बना के ले आए दराज और वो इसको हटा के वो वाला लगा दें, हम देखो क्या कहते हैं क्या करते हैं, कुछ पता नहीं है, बट अल्लाह करे हो जाए इसका कोई मसला हल क्योंकि बहुत सामान होता है यार, बहुत ज़्यादा सामान। फिर है जी ऊपर वाली मीडिया वॉल जिसका आप सब पूछ रहे थे, इसके पीछे भी वो रोब लाइट लगवाई है, मैं जला के दिखा देती हूँ आपको ऐसे। ये देखें, कल मैंने वो यहाँ पर बैठ के वो बच्चे गेम खेल रहे थे सो मैंने दिखाया था, तो सब पूछ रहे थे ये वाली मीडिया वॉल कहाँ की बनी, तो ये ऊपर वाले पोर्शन की बनी है मीडिया वॉल। सो इस तरीके की बनी है, ये बहुत खूबसूरत बनी है क्योंकि हमारे घर की पूरी थीम है ग्रे और वाइट। जो पिंक वाले रूम की शीट है ना वो भाई ने अपनी मर्जी से लगाई, मैंने उनसे कहा था कि आप उसमें ना डस्ट गोल्ड कलर की लगाएं, वो ज़्यादा प्यारी लगेगी। सांस फूल गया मेरा यार काम कर करके, लोग फिर भी राजी नहीं होते, कहते हैं काम नहीं करती, घर ले लिया, सफाई नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। इवन वो लोग जिनके बच्चे घर में उठ के पानी ना पीते होंगे वो भी बातें सुनाते हैं, एहसास नहीं करते। खैर, सो ये शीट लगी हुई है पूरी पीवीसी पैनलिंग, आगे ये एमडीएफ का बोर्ड लगा हुआ है, पीछे इसके रोब लाइट्स हैं और ये सर हमारा टीवी है, टीवी के बोर्ड इसके पीछे चले गए हैं और ये सर के लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत बना है ये वाला, हालांकि बहुत डिसेंट है बट ये इसके साथ ना देखना सीलिंग के ऊपर डिजाइनिंग है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा क्लास का लगता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लोग मीडिया वाल के साथ जो है वो कंसोल भी बनाते हैं, मैंने नहीं बनवाए कंसोल क्योंकि मुझे लग रहा कंसोल की ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ यहाँ का बनवा ही लूँ क्योंकि गेम जो है वो फिर इसके ऊपर रखी हुई है, कंसोल होगा तो उसके ऊपर गेम आराम से आ जाएगी। सो अभी देखूंगी कि बनवाऊंगी कि नहीं बनवाऊंगी, कुछ पता नहीं है। सो अभी तो फिलहाल मैंने पफी के ऊपर रख दिया है सामान जो इनके गेम्स का था, तो ये देख लें इस तरीके का। अच्छा, गेम्स जो है वो मैंने, चलें कल दिखाऊंगी गेम कौन सी है, ठीक है, इसका पूरा व्लॉग रिकॉर्ड हुआ हुआ है। सो ये इस तरीके का लग रहा है। अब इनका जो सामान बचा हुआ है ना, सो मैंने भाई को बोला वो मेरे गिरे वाले रूम में लगा दें, अब वो आएंगे, मेरी ना कुर्सियाँ गई हुई हैं पोशिंग के लिए, वो मैं दिखाऊंगी कौन सी वाली, सो वो आएगी तो फिर दिखाऊंगी आपको सारी चीज़ें। सो जी अभी हम आए हुए हैं अमानत आई हॉस्पिटल, क्या मतलब यहाँ से आइस का इलाज हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, दुआ करना आप लोग भी क्योंकि बहुत आई का मसला है ना, थोड़ी सी वेडिंग करो ना, आइज में दर्द होता ही होता है, ऐसा होता है आई के पीछे कोई चीज़ है जो बहुत जोर से खींच रही है और उसकी वजह से मेरा ये वाला आधे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है इससे। फिर मैं इसको यूँ इस करके दबाती हूँ इस करके, फिर एक ड्रॉप दिया हुआ था डॉक्टर ने, शिफा वाले ने, वो डालती हूँ तो उसको, हालांकि उसने कहा एक ड्रॉप डालना है सिर्फ, वो मैं 2-3 दफ़ा डालती हूँ तब जाके मेरी आँख में दर्द खत्म होता है और वो भी 1-2 घंटे बाद ही, अभी नहीं कि फ़ौरन। बंदा क्या करे बताओ, मैं टीवी भी नहीं देख सकती अब ज़्यादा, पहले भी नहीं देखती थी तो बिल्कुल ही नहीं देख सकती, अब हॉस्पिटल आ गए अब चलते रहे ना। अभी तक भी इसका जो साइज है नज़र आ रहा है पिपल का साइज, कोई अपनी जगह पर भी नहीं आया। ओके भाई, सो आई चेक हो गई है मेरी, सो आई साइड का कोई इशू नहीं है, तो वो बोल रहे हैं कि या तो ये बचपन से होता है या फिर किसी चोट की वजह से होता है।
अगर तो चोट की वजह से हुआ है तो ये ड्रॉप से एक महीना यूज करनी है आपने, 3 टाइम डालने से जो आपका पेन का मसला हो रहा है, जो ब्लरी हो रही है आंख, मुझे लिटरली मुझे ऐसा फील होता है जैसे मतलब मैं इस वजह से आंख के आगे ना गोल गोल कोई चीज आ गई है और मुझे इस आंख से बिल्कुल ब्राइट नजर आता है और इस आंख से मुझे ब्लरी ब्लरी नजर आता है, बहुत ज्यादा नहीं हल्का सा, और सर में दर्द हो जाता है जब मैं ज्यादा, जैसे अभी मैंने लाइट ऊपर जलाई है तो वो लाइट ऐसा था इसी, अब इस आंख से मुझे हल्का ब्लर नजर आ रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। मैंने बोला अगर बचपन से होता तो मैं तो इतना मोबाइल का काम करती हूँ, एडिटिंग वाला सारा काम करती हूँ, तो मुझे कभी तो पता चलता ना, मुझे पता ही इन 2-3 महीनों में चला है। अच्छा, मुझे इसके डायलेटेड का पता नहीं था कि पीपल डायलेट हुआ है, मुझे पता ये था कि मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मेरी आंख के पीछे दर्द हो रहा है, मेरी आंख चक्कर आ रहे हैं, मुझे कितने चक्कर आते थे यार, मेरा विजन वो हो रहा है, ब्लर हो रहा है बार बार वकास, मुझे इस आंख पे ऐसा था जोर पड़ रहा है आंख के ऊपर बहुत ज्यादा, अभी मैं आंख बंद भी कर रही हूँ ना तो ऐसा था झपके पड़ रहे हैं रोशनी के। तो फिर वो कह रहे हैं अगर देखते हैं अब 1 महीने की ड्रॉप डालने, अपने इतना टाइम हो गया यार, बच्चे भी ट्यूशन पे बैठे वेट करें, 6 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, 6:43 हो गए, डॉक्टर शेयर यार थे बहुत लेट आए यार, 5 बजे उन्होंने आना था कहीं ट्रैफिक में फंस गए वो, और बस सामने मरियम परवेज का 8 चल रहा है अमानत आई हॉस्पिटल में, अब अल्लाह करे मेरी आंख ठीक हो जाए तो बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो अभी घर चलते हैं बस, बाकी मीडिया वाल की डिटेल्स मैंने आप लोगों को दिखा दी है यार, डोर्स पे ना शीशे लग गए वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह डोर्स, आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कल वाला ब्लॉग मतलब नेक्स्ट ब्लॉग, ब्लॉग की टाइमिंग भी इतनी डिस्टर्ब हुई हुई है, आप लोग ना खुद आकर ना यूट्यूब पे सर्च करके देख लिया करो नताशा वकास ब्लॉग्स पे, वीडियोज में जाकर ना, क्योंकि वीडियोज के नोटिफिकेशन नहीं जाते वकास में, नहीं बस आ जाए बच्चों को पिक करते हैं, वकास ड्रॉप्स भी ले आए, 3 टाइम डालने हैं ना, सुबह दोपहर शाम। सो मीडिया वॉल की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी, अभी फिलहाल यही 3 मीडिया वॉल्स बनवाई थी मैंने, आप लोग बताना कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, सो अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रही तो आप लोग बताना, बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मेरे लिए दुआ करना यार कि मेरी आंख ठीक हो जाए, मुझे ना अभी भी आंख के पीछे कहां दर्द हो रहा है, और कोई आई स्पेशलिस्ट मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे बताना ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है।